देखते ही देखते संसार दूसरे महायुद्ध की आग में झुलसने लगा। गुरुदेव टैगोर के अगस्त 1941 में व्यक्त अंतिम उद्गार। बर्बरता का दैत्य भयानक भू अंबर में कौंध रहा है, सर्वनाश की आग उगलता मानवता को रौंद रहा है, और विवश मैं देख रहा हूँ एक सभ्यता गौरवमय सदियों की थाती बिलख बिलख कर बिखर बिखर पल पल माटी में मिलती जाती। निश्चय ही गति चक्र नियति का उपनिवेशवादी गोरों को एक दिन सत्ताहीन करेगा, भारत को स्वाधीन करेगा। जाना होगा किंतु छोड़कर क्या जाएंगे अपने पीछे जाने वाले, घाव यातनाओं के गहरे और संकट के बादल काले, पदाक्रांत दुर्भिक्षग्रस्त चिर शोषित आहत धूल धूसरित दीन दलित क्षत विक्षत भारत। सन 1942 तक महायुद्ध की ज्वालाओं से भारत की पूर्वी सीमाएं आतंकित हो उठी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से स्वाधीनता की मांग की ताकि भारत बराबरी के स्तर पर युद्ध में फासिस्टों के विरुद्ध हथियार उठा सके, लेकिन अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को सुबह होने से पहले ही कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें विशेष रेलगाड़ियों द्वारा रवाना कर दिया गया। महात्मा गांधी को पूना के आगा खान महल में नजरबंद किया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को अहमदनगर स्थित चांद बीबी के किले में बंदी बना लिया गया। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद, गोविंद वल्लभ पंत, पीसी घोष, पट्टाभी सीतारमैया, आसफ अली, आचार्य नरेंद्र देव, सरदार पटेल, शंकर राव देव, आचार्य कृपलानी और हरिकृष्ण मेहताब, इन नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार आग की तरह सारे देश में फैल गया। तत्काल ही सारे देश में प्रदर्शनों और सभाओं की मानो बाढ़ आ गई। विद्रोह की भावना जाग उठी। अत्याचारी अंग्रेजी राज को जड़ से मिटा देने का संकल्प जनसाधारण द्वारा सरकार की खुली अवहेलना में व्यक्त होने लगा। बंबई, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर और अन्य प्रांतों की मिलों और कारखानों में अनिश्चितकालीन हड़तालें हुई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। सारे देश में विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। पटना में 7 बहादुर छात्र सचिवालय पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराने के प्रयास में शहीद हो गए। बंबई, बंगाल, मद्रास, दिल्ली, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में आंदोलन विशेष रूप से सफल रहा। कांग्रेस पार्टी अवैध घोषित कर दी गई, उसके कार्यालय जब्त कर लिए गए, गोराशाही तिलमिला उठी, अत्याचार और दमन, असभ्यता और घोर अमानुषिकता की सीमाएं छूने लगे। कानून और व्यवस्था के नाम पर पुलिस को बर्बर अत्याचार ढाने की छूट मिल गई। प्रोफेसर एनजी रंगा के शब्दों में, ना हम जापानियों के साथ सहयोग करने को तैयार थे, न अंग्रेजों, न नाजियों या किसी और के साथ। हमारा लक्ष्य था एक भारत की आज़ादी। हम भी चाहते थे कि नाजीवाद या फासिस्टवाद का खात्मा हो, लेकिन इसके लिए हम अंग्रेज साम्राज्यवाद की रत्ती भर मदद करने को तैयार नहीं थे। स्वाधीनता संग्राम की एक सुप्रसिद्ध नेत्री श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये आंदोलन तो जनता ने खुद ही छेड़ा और लगातार आगे बढ़ाया। जय प्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ भूमिगत आंदोलन छेड़ा। उनके अन्य साथी थे अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली आदि। श्रीमती अरुणा आसफ अली के शब्दों में,
एक जोश ऐसा था, मैं क्या कहूँ, हम हथियारबंद तो लोग थे नहीं उस वक्त, निहत्थे थे, मगर फिर भी जिस तरह से लोगों ने पुलिस का मुकाबला किया, फौज का मुकाबला किया, उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। मगर इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की औरतें और मर्द तय कर चुके थे, ये जो आग सुलगी है अब हम इसमें झुलस जाएंगे, मगर हम आज़ादी लेकर ही हटेंगे। और गांधी जी ने भी अपने संदेश में यही कहा, डू और डाई। इस आंदोलन का संचालन करने वाले भूमिगत कार्यकर्ताओं एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों ने, जो गिरफ्तारी से बचे रह गए थे, इस संघर्ष को और अधिक व्यापक व प्रभावशाली बनाने के लिए योजना तैयार की। किसानों द्वारा लगान अदा करने से इनकार, किसानों द्वारा सरकार को अनाज या पशुधन बेचने से इनकार, कागजी मुद्रा का बहिष्कार, स्वराज्य पंचायतों का गठन और पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों का बहिष्कार, ब्रिटिश टुकड़ियों के आवागमन और संपर्क को रोकने के लिए सड़क, टेलीग्राफ और रेलवे लाइनों में तोड़फोड़, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, निहत्थी जनता पर पुलिस और सेना ने गोलियां बरसाईं, 1028 व्यक्तियों के मारे जाने और 3200 के हताहत होने की स्वयं सरकार ने घोषणा की, जबकि कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 25,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। सरकारी सेंसरशिप के कारण जनता स्वाधीनता आंदोलन की सही सूचना से वंचित रहती थी। बंबई में विट्ठल भाई झवेरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने भूमिगत रेडियो स्टेशनों का संचालन किया ताकि आंदोलन के समाचार जनता तक पहुंचाए जा सकें। उषा मेहता के शब्दों में, अगस्त 1942 को जिस दिन बापू ने करो या मरो का नारा दिया, तो हम नौजवान विद्यार्थियों और व्यापारियों के एक छोटा सा गुट आज़ादी के संग्राम में अपना योगदान देने के बारे में सोचने लगा। हम लोग इसी नतीजे पर पहुंचे कि बापू का संदेश और इस अनोखे संघर्ष की खबरें देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम अपना एक रेडियो प्रसारण केंद्र कायम करें। गांधी मैसेज टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री हैज आल्सो कीप द पीपल इनफॉर्मड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ आवर यूनिक मूवमेंट। कांग्रेस रेडियो कॉलिंग। ऑन द 8th ऑफ ऑगस्ट विट्ठल भाई झवेरी ने बताया, हम लोग जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन के भाषण भी प्रसारित करते रहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। On their arrest, Gandhi ji and the national leaders left their people nothing, no planned program, no money, no organization, no leadership. देश के कई भागों में जनता ने समानांतर सरकारें कायम कर डाली। बंगाल में भरत कांत कुइटी और सतीश चंद्र साहू जैसे लोगों ने मिदनापुर जिले के तामलुक में राष्ट्रीय सरकार बना ली। वीरेंद्रनाथ माझी वीरांगना मातंगिनी हाजरा के साथ राष्ट्रीय झंडा लेकर आगे बढ़े। मातंगिनी हाजरा पर गोलियां बरसी, वे शहीद हो गईं। सातारा महाराष्ट्र में अनंत कुमार वर्दे व नाथा लाड ने पत्री यानी समानांतर सरकार कायम की। जेल से भागकर लीलाबाई पाटिल इस सरकार में शामिल हुई। अप्पा मास्टर ने अपनी तूफान सेना संगठित की। उड़ीसा में नागरिकों के अर्धसैनिक राष्ट्रीय संगठन ने सत्ता की बागडोर किसान मजदूर राज के हाथों सौंपने की मांग की। रमा देवी, गोपबंधु चौधरी और अन्य लोगों ने विद्रोह छेड़ा और पंचायत राज कायम कर लिया। संयुक्त प्रांत में गाजीपुर जिले के लगभग हर पुलिस थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। आजमगढ़, बलिया और अन्य कई जिलों में ब्रिटिश प्रशासन ठप कर दिया गया। आसाम में 15 वर्षीय रत्ना फुकन और कनक लता ने
पुलिस की गोलियों के बीच भी राष्ट्रीय झंडा झुकने नहीं दिया। कनक लता ने वीर गति पाई। मद्रास प्रांत में रेनीगुंटा और बेजवाड़ा के बीच रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। श्री एम पी शिवज्ञानम, तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी। ரகசியமாக ஒரு சுற்றறிக்கை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டு சென்னை ஜில்லா காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளர் அந்த என் கைக்கும் வந்தது. அந்த சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி கோவையிலே தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் விமான தமிழ்நாடு கே கை ஹிஸ்ஸோ மே தங்கே சிட் கயே. தக்ஷிண பாரத் மே படே பைமானே பர் நேதாவோ கி கிரஃப்தாரியாம் ஹுயி. கூட்டை உடைத்து வெளியே கொண்டு வந்தனர் புரட்சி உள்ளம் படைத்த மகாஜனங்கள். சென்னை மாகாணத்திலிருந்து டி பிரகாசம், என் சஞ்சீவ ரெட்டி, வி வி கிரி, அனந்த சயனம் ஐயங்கார் ஆகியோரும், தமிழ்நாட்டிலிருந்து சத்தியமூர்த்தி ஐயர், முதுரங்க முதலியார், பக்தவத்சல முதலியார், நான், ராஜாராம் நாயுடு, காமராஜ் நாடார், வேலூர் குப்புசாமி முதலியார், திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை பிள்ளை ஆகியோரும், கேரளத்தில் குருவாயூர் கேளப்பன், மாதவ மேனன், ராகவ மேனன் ஆகியோரும் வேலூர் சிறையிலிருந்து வடக்கே உள்ள மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள அமராவதி சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். जयप्रकाश नारायण ने अपने स्वार्थ में लिप्त राज रजवाड़ों और पूंजीपतियों की घोर आलोचना की। कम्युनिस्ट पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन से अलग ही नहीं रही, बल्कि उसने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों की बढ़ चढ़कर मदद भी की। अहमदनगर के किले में बंदी जवाहरलाल नेहरू ने अपने ग्रंथ भारत की खोज की रचना की। उन्होंने लिखा, ये भारत के भाग्य चक्र का अजीब मोड़ ही कहा जाएगा कि आज मैं और मुझ जैसे कई लोग जेलों में बंद हैं, जबकि दुनिया फासिज्म और नाजीवाद से जूझ रही है। कल तक हिटलर और मुसोलिनी की जय जयकार और चीन पर जापान के बर्बर हमले का समर्थन करने वाले बड़ी शान से आजादी, प्रजातंत्र और नाजीवाद के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं। भारत सचिव ने आरोप लगाया कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी, इसलिए 10 फरवरी 1943 से उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए अनशन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग को छोड़कर अन्य सभी राजनैतिक दलों और समुदायों ने सरकार से मांग की कि गांधी जी को बिना शर्त रिहा किया जाए। ये अपील ठुकरा दिए जाने पर श्री एम एस आणे, श्री एन आर सरकार और सर होमी मोदी ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिए। गांधी जी ने 3 मार्च को अनशन तोड़ दिया। श्री राजगोपालाचारी ने सांप्रदायिक समस्या का हल खोजने का प्रयास किया। उन्होंने देश के विभाजन का एक फार्मूला प्रस्तुत किया जो मुस्लिम लीग के साथ समझौते का आधार बन सकता था। फरवरी 1943 में राजा जी ने जेल में बापू से भेंट की और इस फार्मूले की चर्चा की। बाद में उन्होंने अपनी योजना से श्री जिन्ना को अवगत कराया और अपील की कि वे देश के विभाजन के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से काम लें। जिन्ना ने इस फार्मूले को रद्द करते हुए कहा कि ये तो पाकिस्तान की एक परछाई है, वो भी विकलांग, खोखली और क्षत विक्षत। इसी बीच 8 फरवरी 1943 को सुभाष बाबू ने जर्मनी स्थित कील से प्रयाण किया। वे एक पनडुब्बी द्वारा जापान की लंबी यात्रा पर रवाना हो गए। जून 1943 को सुभाष बाबू टोक्यो पहुंचे और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध घोषित कर दिया। सुभाष बाबू 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने उनका स्वागत किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी को सौंपा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष बने। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards the final victory. कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। भरपूर प्रशिक्षण के बाद आजाद हिंद फौज ने अराकान और इम्फाल के मोर्चों पर ब्रिटिश फौजों से लोहा लिया। उन्होंने मणिपुर में कांगला स्थित मोइरंग पर कब्जा कर लिया। 1943 बंगाल इतिहास के भीषणतम दुर्भिक्ष का शिकार बना। जनता की दुर्दशा का जिक्र करते हुए पंडित नेहरू ने लिखा, अकाल आया भीषण विभत्स और आत्मा को कंपा देने वाला, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अनाज के अभाव के कारण प्रतिदिन हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे मृत्यु का आहार बन रहे थे। सारी दुनिया में मौत का तांडव चल रहा था, महायुद्ध का नरसंहार जारी था, मौत की छाया हर तरफ मंडरा रही थी। लेकिन हिंदुस्तान में फैली ये मौत की तबाही पूरी तरह मानव निर्मित थी। भारत और इंग्लैंड में ब्रिटिश सत्ता झूठी रिपोर्टें जारी किए जा रही थी। लेकिन उन लाशों को कौन झुठला सकता था जो हर तरफ बिखरी हुई थीं? विभिन्न स्रोतों से सहायता आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों बेबस और मासूम इंसान मौत के शिकार हो चुके थे। नवंबर 1943 में जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को सौंप दिए। पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्यूलर जेल पहुंचकर नेताजी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आजाद भारत का झंडा फहराया। का आगा खान महल बापू के व्यक्तिगत शोक का साक्षी बना। 9 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। मौत के क्रूर हाथों 62 वर्षों का योग सदा सदा का वियोग बन गया। बापू ने कहा, बा के बिना जीने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 2 माह बाद बापू को मलेरिया हो गया। मई 1944 में अस्वस्थता के कारण उन्हें रिहा किया गया। बंबई में अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान बापू ने वायसराय को लिखा कि यदि तत्काल स्वाधीनता की घोषणा कर दी जाए तो मैं कांग्रेस कार्यकारिणी सभा से ये अनुरोध कर सकता हूँ कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले ले और सरकार के फौजी प्रयासों में भरपूर सहायता दे। ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। गांधी जी ने जिन्ना से 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 तक कई बार भेंट की ताकि सांप्रदायिक समस्या का हल निकाला जा सके और देश की आगामी राजनैतिक रूपरेखा तय की जा सके। गांधी जी ने इस विचार को रद्द कर दिया कि भारतीय मुसलमान अपने आप में एक अलग राष्ट्र हैं। बापू ने कहा, यदि देश चाहे तो एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना पर विचार संभव है, पर यह विचार भी आजादी से पहले तो नितांत असंभव है।
जिन्ना तत्काल और पक्के समझौते की जिद पर अड़े रहे। चर्चाओं का कोई फल नहीं निकला, लेकिन गांधी जी को पूरी आशा थी आज नहीं तो कल इस समस्या का समाधान होकर रहेगा।